हाय फ्रेंड, हैप्पी दिवाली। आप सब लोग को हैप्पी दिवाली। तो आज एक बनाने जा रहे हैं, तो राइस का आइटम बनाने जाते थे, लेमन राइस। तो चलिए आपको पसंद दिखाता हूँ आपको। मैंने 2 गिलास राइस लिया था, उसको धो के कुकर में चढ़ाते हैं, उसका बाद आपको दिखाऊंगा। शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि पता चल जाएगा लेमन राइस कैसा बनता है। तो अगर हमारा चैनल पे आप लोग नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगा था कमेंट से हमको बताइए कैसा हुआ। तो चलिए फ्रेंड, पैसा शुरू करते हैं। तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। तो हमने राइस तो चढ़ा दिया है 1 सीटी के लिए। तो हम चलते हैं, लींबू का जूस निकालते हैं उसका। लेमन राइस के लिए इसका जूस ज़रूरी है, लेमन का। देखिए, इसके लिए मैंने लिया हूँ मूँगफली दाना लिया हूँ, लेमन जूस लिया हूँ, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा काजू लिया हूँ, क्यों ना ये बिना प्याज का बनेगा। तो देखते रहिए हमारा वीडियो। मैंने थोड़ा सा तेल ले रहा हूँ, थोड़ा सा मूँगफली को फ्राई करके निकाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा खाने में भी मज़ा लगेगा। इसको थोड़ा सा हल्का लाल करते हैं, पूरा लाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाएगा तो हम उसको निकाल देंगे। देखिए ऐसा ही हो चुका है, अभी निकलने वाले हैं। चलिए इसको एक सेट करके काजू भी एक सेट ही भूंज लेते हैं, काजू को भूंज के निकाल देते हैं। चलिए इसको निकाल देते हैं, अभी ज़्यादा नहीं भूंजेंगे, बस इतना ही। देखिए ये फ्राई होने के बाद हम तेल लिए हैं थोड़ा सा, उसमें पहले डालेंगे चने डालेंगे, उसका साथ थोड़ा सा हींग डालेंगे, उसके बाद राई डालेंगे, राई उसको अच्छी तरह से फूटने देते हैं, उसके बाद हरी मिर्ची डालेंगे। देखिए मैंने हरी मिर्ची लिया हूँ, हरी मिर्ची 4-5 लिया हूँ, उसको डालते हैं, क्योंकि ना ये बिना प्याज का बनेगा। तो उसके बाद कड़ी पत्ता लेता हूँ, उसको अच्छी तरह से लाल होने देंगे, उसके बाद राइस डालूँगा। देखिए अच्छी तरह से कड़ी पत्ता और चने डाल सब लाल हो चुका है, अभी हम डालेंगे राइस। मैंने ये जो है ना बासमती राइस लिया, आप नॉर्मल राइस आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जैसा आपको टेस्ट लगे ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और थोड़ी सी हल्दी ले लिया। हल्दी के बाद हम डालेंगे क्या, ये है नींबू का जूस। तो नींबू का जूस ऊपर से ऐड करेंगे। देखिए अभी घर पर ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगता है ये, कभी अगर ब्रेकफास्ट में ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे ऊपर से काजू और ये जो मूंगफली। तो चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए इसमें और कुछ मसाला वगैरह नहीं रहता है, बस इतना ही हल्का मसाला रहता है। अगर सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं ना, पूरा एकदम ये पेट के लिए सही रहता है। चलिए फाइनली हो चुका है ये हमारा लेमन राइस। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर हमको कमेंट देना कैसा हुआ बल्कि बताने का। चलिए फ्रेंड, हो चुका है हमारा, तब तक के लिए भी रहते हैं बस।